So what's up guys, this is Samir and you are watching Technical Biz channel. तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो माइक होता है, आपके जो हेडसेट होता है या हेडफोन आपको जो मिलता है कंपनी की तरफ से, अगर खरीदने जाते हैं तो उसमें आपने नीचे जैक देखा होगा, वहां पर एक कट होता है, दो कट होते हैं और तीन कट होते हैं। ये अलग अलग कट क्यों होते हैं जैक के अंदर हेडसेट के, या जो आप लीड लेते हैं सुनने के लिए, गाने सुनने के लिए, माइक रिकॉर्ड करने के लिए, ये क्यों होते हैं एक कट दो कट, क्या ये परफॉर्मेंस बढ़ाते हैं, क्या ये परफॉर्मेंस घटाते हैं, क्या ये पहचान है ओरिजिनल और क्या ये पहचान है लोकल की। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और आपको ये वीडियो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे देगी, और जैसे ही आप एकदम पता लगा लेंगे कि ये मेरे लिए लायक है ये हेडफोन या लीड, जब आप खरीदने जाएंगे मार्केट में, कोई आपको पागल नहीं बना सकता कि यहाँ जी इसलिए यूज होगी, इसलिए यूज होगी, तो आप इस वीडियो में सब कुछ जान लेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, कुछ जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिले, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उस वाले माइक के अंदर या जो उसमें एक कट होता है, ये क्यों यूज होता है। आपने एक कट जो होता है वो बहुत ही कम देखा होगा, वो इसीलिए देखा है क्योंकि एक कट जो है वो पहले यूज होता था, माइक में यूज होता था, जब एक ही स्टीरियो, एक कट का मतलब है आपको मोनो साउंड जो होगी वो रिकॉर्ड होगी। मोनो साउंड का मतलब है आज जो होम थिएटर घर में आप या स्टीरियो या जब आप लीड सुनते हैं कान में लगा के, उसमें जो होती है दोनों तरफ से आवाज आती है, यानी कि लेफ्ट साइड में भी आवाज आती है और राइट साइड में भी आवाज आती है। जिसमें एक कट होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही में आवाज आएगी, राइट में आवाज आएगी या लेफ्ट में आवाज आएगी, दोनों में आवाज नहीं आ सकती। आपने एक कट वाले माइक से रिकॉर्ड कर लिया आवाज, ये जब आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं या फिल्म इंडस्ट्री में ऑडियो रिकॉर्ड होती है तब वहां पर ये यूज होता है। अभी बहुत कम यूज हो गया है इसका, क्योंकि इसमें आपको स्टीरियो आवाज नहीं मिलती कि दोनों साइड, लेफ्ट में मिलेगी आवाज और राइट में मिलेगी, इसमें एक ही में आवाज रिकॉर्ड कर सकता है और एक ही आवाज जो होगा वो फेंकेगा। मतलब कि आप समझेंगे जैसे आपने कोई ये माइक लगा दिया, यूज कर रहे हैं आप इस माइक को, ठीक है, तो आपने रिकॉर्ड करी आवाज, आपने आवाज रिकॉर्ड करने के बाद आप इसको लीड में सुनेंगे ना, तो आपको एक ही में आवाज आएगी, आप सोचेंगे कि लीड खराब हो गई, लेकिन नहीं, वो मोनो साउंड रिकॉर्ड करता है। ये मोनो साउंड रिकॉर्ड करने के लिए होता है, यानी कि एक ही स्पीकर चला सकते हैं आप इससे, राइट वाला या लेफ्ट वाला, एक ही में आवाज रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला कट वाला, पहली चीज, पहले कट वाली चीज आप मत लेना, और ये वैसे भी मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आती है दूसरी चीज की, जो दो कट होते हैं लीड के अंदर और हेडफोन के अंदर, दो कट का क्या मतलब है। दो कट का मतलब है आपको जो आवाज सुनाई देगी वो दोनों हेडफोन में, यानी कि दोनों इसमें भी सुनाई देगी और इसमें भी, लेफ्ट और राइट दोनों में सुनाई देगी आवाज, ठीक है। और ये जो आपने होम थिएटर में लगाया, तो दो स्पीकर में आपको आराम से आवाज होगी, बिल्कुल सिंपली बढ़िया सुनाई देगी, ठीक है। तो ये होता है, रिकॉर्ड करता है स्टीरियो वॉइस रिकॉर्ड करता है, और ये स्टीरियो वॉइस को ही रिप्रेजेंट करता है। जब आप ये दो कट वाला माइक यूज करते हैं तो आपको स्टीरियो वॉइस रिकॉर्ड होगी, और आप दो कट वाला माइक, दो कट वाला हेडफोन यूज करते हैं सुनने के लिए, तो आपको दोनों में आवाज आएगी, राइट में भी लेफ्ट में भी। तो ये हो गया हमारे पास दूसरी चीज की, जो हमारे पास आती है दो कट वाला, स्टीरियो वॉइस जो होती है वो रिकॉर्ड होती है, और स्टीरियो वॉइस जो होती है वो सुनाई देती है। ये स्टीरियो वॉइस को रिकॉर्ड करने के भी काम आता है, स्टीरियो वॉइस को सुनने के भी काम आता है, लेफ्ट में भी सुनाई देगा, राइट में भी सुनाई देगा आपको। ये माइकों में भी दिखता है आपको, और हेडफोन जो आप खरीदते हो उसमें भी ज्यादातर में दो कट होते हैं, ठीक है। तो यानी कि आपको राइट में भी सुनाई देगी और लेफ्ट में भी सुनाई देगी। अब हम आते हैं तीन कट। भाई एक कट समझ लिया हमने कि इसमें आवाज जो होती है सिर्फ एक में आएगी, दो कट समझ लिया आवाज जो होगी वो लेफ्ट में भी आएगी और राइट में भी आएगी, दोनों हेडफोन में आएगी। अब ये तीन कट क्या है भाई, तीन तो होते ही नहीं, लेफ्ट और राइट होते हैं। तीन कट का मतलब है उसके अंदर आवाज, मतलब कि माइक होगा, मतलब आवाज, आप बात भी कर सकते हैं। उस तीसरा कट जो होता है वो माइक के लिए यूज होता है। जब आपने कोई भी हेडसेट आपको कंपनी से फ्री मिलता है, ठीक है, वो फ्री मिलता है, उसके अंदर आपने देखा होगा तीन, उसके अंदर आपको माइक भी मिलता है बात करने के लिए फोन पे, कि आप किसे फोन पे बात भी कर सकते हैं। उसमें आप नीचे जैक में देखना कि उसमें तीन कट होते हैं, एक दो तीन। शुरू के जो होता है कट वो होता है लेफ्ट वाली आवाज के लिए, दूसरा वाला जो कट होता है वो होता है हमारा राइट वाली आवाज जो होती है उसके लिए, और जो नीचे तीसरा जो कट होता है ना वो हमारा यूज होता है आवाज को, माइक जो होता है वो माइक आवाज को सेंड करने के लिए, वो माइक के लिए यूज होता है। तो आप अगर कोई भी लीड लें, आप उसमें तीन कट देखें, मतलब कि इसके अंदर माइक आपको अवेलेबल मिलेगा, दो कट देखें उसके अंदर आपको माइक नहीं मिलेगा, वो स्टीरियो वॉइस को हमारा रिप्रेजेंट करेगा, स्टीरियो वॉइस सुनाई देगी आपको सिर्फ लेफ्ट और राइट दोनों में, माइक नहीं होगा। दो कट में सिंगल कट में आपको मोनो साउंड सुनाई देगी, एक में सुनाई देगी, लेफ्ट में या राइट में एक ही साउंड को रिकॉर्ड करेगा। अगर आप उस माइक खरीदते हैं, कभी भी माइक मोनो मत खरीदिए, एक कट वाला मत खरीदिए, वो सिर्फ लेफ्ट लेफ्ट में सुनाई देगी आपको, बाद राइट में आएगी नहीं रिकॉर्ड करने के बाद। आप स्टीरियो माइक खरीदिए जिसमें दो कट होते हैं, वो लेफ्ट में भी रिकॉर्ड करेगा आवाज और राइट में भी, यानी कि दोनों में साउंड आपको आएगी। और जो आपका तीसरा जो है वो तो आपको बता ही दिया मैंने, माइक भी मिलेगा आपको। तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो, अगर आपको ये पसंद तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे बहुत ही अमेजिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स लाता रहता हूँ मैं। तो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।